उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवाह स्टूडियो में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन नेशनल मीट पर चर्चा का आयोजन किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवाह, इंटरनेशनल कमिश्नर HSGA इंडिया, अनिल प्रथम, नेशनल चीफ कमिश्नर HSGA इंडिया, रजत शर्मा, नेशनल कमिश्नर HSGA इंडिया ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मौजूद अतिथिगण को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवाह, इंटरनेशनल कमिश्नर HSGA इंडिया ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, स्काउट्स एंड गाइड्स विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। यह बचपन में ही व्यक्तित्व के विकास की नींव रखता है। एक बेहतर नागरिक बनने के लिए समाज के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्यों की प्रेरणा स्काउट्स एंड गाइड्स में दी जाती है। अनिल प्रथम, नेशनल चीफ कमिश्नर HSGA इंडिया ने कहा, अच्छी नागरिकता के लिए एक स्वीकृत प्रकार का चरित्र प्रशिक्षण और तैयारी है जो जिम्मेदारी और भरोसेमंद स्नेह की भावना को प्रेरित करता है। वहां मौजूद सभी लोगों ने स्काउट्स एंड गाइड्स पर अपने अपने विचारों को रखा और इसे अपनाने के फायदे बताए। बता दें कि कार्यक्रम में स्काउट्स एंड गाइड्स पर बनी लघु वीडियो भी दिखाई, साथ ही स्काउट्स एंड गाइड्स के कई मुद्दों पर बातचीत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवाह द्वारा मौजूद अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया, साथ ही अन्य अतिथियों को सर्टिफिकेट दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स की तरफ से मुझे कमिश्नर इंटरनेशनल नियुक्त किया गया है और उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं तकरीबन 156 मुल्कों के साथ काम कर रहा हूँ, 145 देशों के बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ और 74 देशों की सरकारों ने मुझे अपना कल्चर एम्बेसडर नियुक्त करके रखा हुआ है और मुझे लगता है मेरा काम बहुत आसान होगा। मैं इन तमाम देशों के साथ मिलकर हिंदुस्तान की जो ये स्काउट और गाइड संस्था है इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चों में देशभक्ति की जो भावना है वो फूट फूट कर भरी होनी चाहिए और पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म जो है ये मेरा खुद का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारी AAFT यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम लोग ये हमेशा देखते रहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो उत्तेजित और उत्साहित रहें देश के लिए काम करने के लिए, और ये भावनाएँ जो हैं ये मैं इस पूरे सभागार से लेकर पूरे अपने कैंपस AAFT कैंपस और उसके बाद पूरे देश के अंदर देखना चाहता हूँ। इसी भावनाओं के साथ मैंने फिर से एक बार स्काउट और गाइड संस्था के अंदर पैर रखा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग एक नया इंकलाब पैदा करेंगे और देश में फिर से एक बार स्काउट्स और गाइड्स की नई लहर पैदा होगी। नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के साथ बात की है क्योंकि मैं CEGR सेंटर ऑफ एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च संस्था का अध्यक्ष रहा हूं और अब मैं उसका मेंटर हूं। तकरीबन 10,000 टीचर और करीब 100 यूनिवर्सिटियां इस हमारे थिंक टैंक के साथ जुड़ी हुई हैं जहां पर मैं ऑलरेडी स्काउट्स और गाइड्स की बात को कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात को सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सुनेंगी और बहुत तेज़ी के साथ हम लोग स्काउट्स और गाइड संस्था को देश के कोने कोने में फिर से एक बार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आज़ाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं अनिल प्रथम हूँ। मैं IPS ऑफिसर रिटायर्ड अभी हुआ हूँ और मैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड में नेशनल चीफ कमिश्नर हूँ। आज हमने नोएडा में मारवाह स्टूडियो में हमारा नेशनल रिव्यू मीटिंग रखा है। इस रिव्यू मीटिंग का पर्पज ये है कि स्काउटिंग एक्टिविटी को कैसे स्कूल, कॉलेज और पब्लिक में नेशनल लेवल ऊपर और इंटरनेशनल लेवल ऊपर
कैसे बढ़ाया जाए, इसमें हमने आज कई लोगों को जोड़ा है, कई संस्थाओं को जोड़ा है, जिसमें मारवा स्टूडियो और श्री संदीप मारवा जी हमारे से जुड़े हैं। उनको हमने इंटरनेशनल कमिश्नर लेवल पर उनको पोस्ट भी दी है, और हम इसी तरह से स्कूल्स, कॉलेज और बाकी जगह पे स्काउटिंग एक्टिविटी, जिसमें देशभक्ति, बच्चों में स्किल पैदा करना, बच्चों में संविधान की भावना पैदा करना, बच्चों में भाईचारा की भावना पैदा करना, और जो राष्ट्र के और समाज के प्रति जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं यूथ को विकास करने के लिए, वो सब एक्टिविटी हम लोग करेंगे और इससे समाज। मैं डॉक्टर रजत शर्मा, चेयरमैन एंड फाउंडर फॉर यूनिटी ऑफ नेशन एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल। हमारी ऑर्गेनाइजेशन UNACCC 157 कंट्रीज में काम कर रही है, और 157 कंट्रीज के ऑलमोस्ट 895 जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए बोर्ड मेंबर्स काम कर रहे हैं। मारवा जी हमारे ग्लोबल काउंसिल बोर्ड मेंबर के बहुत ही बड़े पदाधिकारी हैं, जिनको आज से 3 साल पहले हमने अपॉइंट किया था, और उनका बहुत अच्छा काम हमारी संस्था में रहा। उनका योगदान UNACCC की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हमें बहुत काम लगा। आज का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम मारवा जी का जो पूरा ग्लोबली जो एक वर्चस्व है, जो ग्लोबली प्रेजेंस है, उसको हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के साथ किस तरह से जोड़ना, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड को उनके ही साथ में उन सब कंट्रियों के साथ कैसे हम आर्ट एंड कल्चर। मैं विशु कोहली, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड में नेशनल चेयरमैन। बेसिक एजेंडा था कि स्काउटिंग के साथ और लोगों को जोड़ा जाए, उसे और मजबूत करके विश्व स्तर पे पहुंचाया जाए, और स्काउटिंग क्या है उन्हें पता लगे। सरकारी समर्थन एक लिमिट का होता है, उसके अंदर सारा ऑडिट वगैरह होता है, फिर वो मिलता है सरकारी समर्थन। बाकी जगह स्टेट वाइज हर स्टेट से कुछ ना कुछ अनुदान मिलता है, रेलवे के अंदर जैसे नौकरी के अंदर वो प्रेफरेंस देते हैं, तो ऐसी कई सुविधाएं हैं और कई लाभ हैं जो स्काउटिंग में एक लेवल की स्काउटिंग करने के बाद स्काउट को मिलता है। मेरा नाम गिरीश जुयाल है, और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स का मैं मान्यता दिलाने वाले कार्यकर्ताओं में से एक हूँ। अनेक प्रकार के दायित्व मेरे पास रहे हैं। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स सहित सरकार ने जो है कुछ नियम तय करे हैं कि प्रत्येक स्कूल में आप या तो NCC या NSS या सिविल डिफेंस या स्काउट्स एंड गाइड्स होना चाहिए। 36 करोड़ लोगों के बीच में ये सब संगठन काम कर सकते हैं। चरित्र निर्माण के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। उसी कड़ी में आज हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन की जो नेशनल मीट थी, जिसमें देश के युवाओं से हमारे इंटरनेशनल कमिश्नर संदीप मारवा जी और DGP अनिल प्रथम जी के द्वारा जो है आज इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई थी, उसमें हमारा बेसिक जो लॉजिक्स है, जो भी युवा हैं भारत में, जो भी युवा हैं वो नशे के प्रति किस प्रकार से दूर रह सकते हैं और पर्यावरण और प्रकृति को कैसे बचाया जा सकता है, उसी मुहिम को लेकर के राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ऐसे युवा मैं इस मंच के माध्यम से आज उनको आमंत्रित करता हूँ कि आप स्काउट गाइड से जुड़ करके जो है वो राष्ट्र के निर्माण के भागी बने। तो जो भी युवा हैं, कब बुलबुल हैं,